हम लोग बात करेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस की, तो बात करते हैं कि सबसे पहले रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन का क्या मतलब होता है कि एक आदमी जो है वो दूसरे आदमी से कनेक्टेड हो किसी न किसी तरह से, तो उसको बोलते हैं कि ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ऐसे ही हम लोग नंबर की बात करेंगे कि नंबर में क्या होता है कि नंबर्स जो है वो सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक होते हैं, रिलेटेड होते हैं, तो इसको बोलते हैं रिलेशन। अब इस रिलेशन को हम लोग देखें कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, राइटिंग क्या है, राइटिंग की तरीका क्या है। जैसे अगर हमारे पास, हमने सेट्स पढ़ा हुआ था, जैसे हमारे पास एक सेट है, जैसे इसमें हमने लिख दिया 1, 2, 3, और हमारे पास एक बी सेट है, इसमें लिख दिया हमने 1, 4 और 9, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ 1, 2, 3 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया 1, 4 और 9। तो यहाँ हमने क्या लिखा कि 1 जो है 1 से रिलेटेड है, 2, 4 से रिलेटेड है और 3 जो है वो 9 से रिलेटेड है। तो ये एक आपके पास क्या बना है, ये एक रिलेशन बन गया। अब इस रिलेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं, ये आपका ए एलिमेंट था, ये बी सेट था, ये ए सेट है और ये बी सेट है, ये एक रिलेशन बन गया ए से बी में, ए से बी में एक रिलेशन बन के तैयार हो गया। तो इस रिलेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं आर 1, 1, क्योंकि 1, 1 से रिलेटेड है, 2, 4, 2 जो है 4 से रिलेटेड है और 3, 9। तो ये देखिए, ये एक रिलेशन आपके सामने बन के तैयार हो गया कि इसमें यही रिलेशन है कि 1, 1 से रिलेटेड है, 2, 4 से रिलेटेड है और 3 जो है वो 9 से रिलेटेड है। तो इस तरीके का रिलेशन हो गया। और भी बहुत सारे तरीके का रिलेशन हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि हमने एक इक्वेशन लिखा x + y = मान लीजिए यहाँ 10 लिख दिया। अब यहाँ x की वैल्यू अगर आप रखते जाइएगा तो y निकलते जाएगा, या y रखते जाइएगा तो x निकलते जाएगा, मतलब ये x y जो है वो आपस में क्या है, रिलेटेड है। x y क्या है, आपस में रिलेटेड है। जैसे अगर आपने x की वैल्यू 1 रखा, यहाँ पे बात कर लें कि x एंड y आर नेचुरल नंबर, x एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से ही लेना है, तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू अगर आप 2 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप यहाँ 3 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 7 आएगा। तो इस तरीके से आपके सामने बहुत सारा रिलेशन बन जाएगा, जैसे ये 1, 2, 3 ऐसे ये जा ही रहा है, और यहाँ पे इससे क्या रिलेटेड बन रहा है, 1, 9 से रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, यही रिलेशन बन रहा है। तो इस तरीके के बहुत सारे, ये हो गया x और ये हो गया y, तो ये इस तरीके के बहुत सारे रिलेशन आपको मिल रहे हैं। इसी बात को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1, 9, 2, 8, 3, 7, इस तरीके से आपके सामने बहुत सारा रिलेशन जो है आपको मिल जाता है। तो ये होता है रिलेशन। अब यहाँ बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन की, रिलेशन की कुछ टाइप्स होंगी, उस रिलेशन के टाइप्स की बात हम लोग करेंगे कि वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हालांकि क्लास 11 में आप पढ़ चुके हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज, तो ये वाला जो एलिमेंट होता है वो होता है डोमेन, ये होता है रेंज, और कोडोमेन इसके सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि इस जो जिससे वो बिलोंग्स करता है वो सबके सब जो है वो क्या होते हैं, कोडोमेन। तो ये आपने पढ़ा हुआ था। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन के टाइप्स जो होगी, वो पहला टाइप जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं इम्प्टी और वाइड रिलेशन। मतलब ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब कुछ भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोगों के पास एक हमने सेट बनाया, इसमें लिखा हुआ है 1, 3, 8, 10 और 12, ये हमने एक
लिख दिया, ये हमने लिख दिया क्या, ये हमारे पास एक एलिमेंट और एक रिलेशन इस तरीके से है a माइनस बी इक्वल्स टू फोर। एक रिलेशन यहाँ बना R में, R में एक रिलेशन है R इक्वल्स टू a माइनस बी इक्वल्स टू फोर, a माइनस बी इक्वल्स टू फोर। मतलब यहाँ लिख दीजिए a कॉमा बी रिलेटेड टू a माइनस बी इक्वल्स टू फोर, ये हमारे पास एक रिलेशन है। अब आप देखिए यहाँ से कि अगर आप रिलेशन बनाएंगे तो क्या a माइनस बी कभी फोर आ सकता है? किसी में से किसी को माइनस करके देखिए, जैसे इसमें से इसको माइनस करेंगे कभी नहीं फोर आएगा, यहाँ से यहाँ माइनस करिएगा तो भी फोर नहीं आएगा, यहाँ से यहाँ माइनस करिएगा तो भी फोर नहीं आएगा, यहाँ से यहाँ करेंगे तो भी नहीं आएगा, इसके साथ अगर यहाँ हम करें तो भी नहीं आ रहा है, यहाँ माइनस कर रहे हैं तो भी नहीं आ रहा है, इसके साथ करें तो भी नहीं आ रहा है। मतलब ये जो है किसी के साथ अगर आप जैसे आप रिलेशन यही तो लिखते हैं, यही तो आपका रिलेशन होता 1,3, 1, क्या हो जाता है 8, 1,10, 1,11, और क्या बना लेते हैं आप 3,8, ऐसे ही आप बना लीजिए 3,10। इसी तरीके के बहुत सारे रिलेशन बनाते हैं, लेकिन ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये सारे के सारे रिलेशन क्या हो जाएंगे, एम्प्टी रिलेशन होंगे। मतलब इसको बोलेंगे हम लोग क्या, एम्प्टी रिलेशन इस सेट के बेसिस पे, कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए एक भी रिलेशन यहाँ पे नहीं है, तो इसको बोला जाता है एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन। अब नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है कि जिसमें खुद का खुद से रिलेशन हो, खुद का खुद से रिलेशन हो तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, खुद का खुद से रिलेशन। जैसे अगर हमने लिखा 1,2 और रिलेशन क्या बना दिया 1,1 और 2,2, ये एक रिलेशन हमारे पास बन गया। तो ये जो है ये क्या है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है, क्योंकि इसमें खुद का खुद से रिलेशन बना हुआ है, 1,1 से रिलेटेड है और 2,2 से रिलेटेड है, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। अब बाद बाकी के और भी रिलेशंस होते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव होता है और सिमेट्रिक होता है। तो इस तीन रिलेशन को हम लोग आगे की क्लासेस में देखते हैं।